चार्ली वर्मा फ्रॉम आर समर्थ कम्युनिटी वंस अगेन विद यू। आज मैं आपके साथ कुछ मुद्दा ऐसा डिस्कस करूंगा जो हम सबको असर करता है, और वो है हमारी आंखों की हेल्थ। जैसे हम सीनियर हो जाते हैं, हम सबकी आंखों में कोई ना कोई बीमारी आनी शुरू हो जाती है, दिखना कम हो जाता है, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, और हमारी आंखें थक जाती हैं जल्दी। ये सब चीज़ें सबके साथ होती हैं। तो मैं आज आपको कुछ टिप्स दूंगा ताकि आप अपनी आईज को हेल्दी और सही रख सको। चलिए, सबसे पहला टिप, आप प्लीज़ अपनी आईज का रेगुलर चेकअप कराइए, क्योंकि कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, नंबर चेंज, ये सब चीज़ें तो पक्की आती ही हैं। तो अगर आप सही टाइम पे चेक कराओगे, सही पकड़ी जाएगी और आप इससे इसका इलाज करा के आपको आईज को रिस्टोर कर सकोगे। और एक बार आपकी आईज ठीक हो गई तो सब कुछ ठीक दिखता है दुनिया के अंदर। तो इसलिए ये सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट टिप है, रेगुलर आई चेकअप। अब दूसरा टिप क्या है? दूसरा टिप यह है कि आईज के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ता है बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट लाइटिंग। जहाँ भी जाओ, हमें एक्चुअली ज़्यादा लाइट चाहिए सीनियर्स, बाकी दुनिया को डिफ्यूज और धीमी धीमी सेक्सी रोमांटिक लाइटें चाहिए। तो इसलिए आप इस बात से मत शर्माइए, जहाँ भी जाइए आपको लाइट कम दिखे, रिक्वेस्ट करिए रोशनी बढ़वाइए। वहाँ पर लाइट जरूर होती है और उसको बंद किया होता है, आप उसको ऑन करवाइए ताकि आपकी आईज आराम से चीज़ें देख सके और उन पर मसल की उनकी आईज की मसल को स्ट्रेन न करना पड़े। हम सब लोग आजकल मोबाइल डिवाइसेस या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज़ करते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज हैं जिनको हम यूज़ करें तो हमारी आईज को देखने में आसानी पड़ेगी, पर हमें उनका पता ही नहीं होता, हम करते ही नहीं है। हमें चाहिए कि वी शुड रीसेट आवर डिवाइसेस इन सच अ मैनर कि आप आराम से पढ़ सको। फॉन्ट साइज बढ़ाइए, टेक्स्ट साइज बढ़ाइए, उसका कंट्रास्ट चेंज करिए। इन सब चीज़ें करने से आपको आईज के ऊपर स्ट्रेन कम पड़ेगा और रीडिंग वगैरह आसान हो जाएगी। सबसे प्रो टिप दिन का है कि आपको चाहिए कि आपके मोबाइल वगैरह में एक नाइट मोड होता है, ब्लू लाइट फिल्टर होता है, उन सब का इस्तेमाल कीजिए। उससे आपकी आंखों पे प्रेशर कम पड़ेगा, आपकी आंखों को आसानी होगी देखने में। अगला टिप आपको चाहिए कि आप ब्लिंक रेगुलरली करिए, क्योंकि अगर आप ब्लिंक नहीं करेंगे रेगुलरली तो आपकी आंखें ड्राई हो जाएंगी, वो बिल्कुल गलत चीज़ होगी। अब अगला टिप, 2020 क्रिकेट का तो बिल्कुल फैशन है, अब आप एक और फैशन अपना लीजिए, वो है 20-20-20 रूल आंखों के लिए। यानी कि 20 मिनट अगर आपने किसी चीज़ पे आंखों से देखते रहे हो किसी चीज़ को या डिवाइस को पढ़ते रहे हो, तो आपको चाहिए कि उसके बाद आप 20 सेकंड के लिए किसी दूर की चीज़, 20 फुट दूर की चीज़ को देखिए। इससे आपकी आंखों की मसल्स को रिलैक्सेशन मिल जाएगी, क्योंकि आपने अपनी आंखों की कॉन्सेंट्रेशन हटा दी, नज़दीक से फोकस दूर का कर दिया 20 सेकंड के लिए। आफ्टर 20 मिनट्स ऑफ स्ट्रेस ऑन द आईज, 20 सेकंड का ये काम आपको जरूर करना है 20 फुट की दूरी वाले आइटम पर। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी आईज को बहुत ठंडक मिलेगी। अब लास्टली द सुपर टिप ऑफ द डे, ये इसका मुझे बहुत ज़्यादा शौक है, क्योंकि मुझे किसी ने ये बचपन में सिखाया था, मैं इसको बिल्कुल फॉलो करता हूँ। बड़ा सिंपल काम है, आपको क्या करना है, अपनी दोनों पांव लीजिए, ऐसे खूब जोर शोर से इनको आपस में भरिए, इसके अंदर गर्माइश पैदा कीजिए और अपने हाथों को एक कप बनाइए और अपनी आंखों के ऊपर रख दीजिए। आंखें आप बंद करो, खुली रखो, जैसे मर्जी करो, प्रेफरेबली क्लोज्ड। अब आप देखेंगे कि ये गर्माइश आपकी आंखों को कितनी शांति पहुंचाती है, कितनी कामनेस देती है। अगर आप चाहो तो अपने घुटने की टेबल, अपने सॉरी घुटने नहीं कोहनियाँ किसी टेबल पे भी रख सकते हैं ताकि आपको सपोर्ट मिले। आप इसको 2 मिनट करो, 4 मिनट करो, 30 सेकंड करो, पर दिन में कई बार इसको करना है। फिर जब आप खोलोगे तो आपको रोशनी कितनी अच्छी लगेगी, एंड योर आईज विल फील वेरी रिलैक्स, पीस विल डिसेंड ऑन यू।
प्लीज फॉलो दीज टिप्स एंड कीप योर आईज हेल्दी बिकॉज आईज आर योर विंडोज टू द वर्ल्ड. थैंक यू. हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा. हम बहुत रेगुलरली मनी मैटर्स, हेल्थ और एंटरटेनमेंट पर सीनियर सिटीजन्स के लिए एक्सक्लूसिव वीडियोस रिलीज करते हैं. यदि आप हमारे नए वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें.